हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आपको यहां पे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं जिसका आपको एरिया पता करना है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसका फोर साइड हो, यानी एक ऐसा क्लोज फिगर जिसका फोर साइड हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसका एरिया पता करना है। हम क्या करेंगे, इसको टू पार्ट से डिवाइड कर लेंगे। देखिए, एक इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और एक इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बेस है और ये हाइट है, ये बेस और ये हाइट है। तो ये क्या बन जा रहा है, एक ट्रायंगल ये हो जा रहा है, एक ट्रायंगल ये हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसका और इसका हम निकाल देंगे यहाँ पे एरिया, और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यस पी क्यू, यस पी क्यू लिया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल यस आर क्यू, यस आर क्यू। ठीक है, हमने इस तरीके से यहां पे ले लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे यहां पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल में यस पी क्यू में। तो हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक, इंटू हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर है, प्लस हाफ इंटू, अब आ जाते हैं यस आर क्यू में, यानी इस ट्रायंगल में जाते हैं, बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से कट हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आ गया यहाँ पे, 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और प्लस ये तो कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा और इसको हम चेंज कर देंगे डेसिमल में, कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ गया, यानी एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना निकल गया, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल हमको लेना होगा, ए बी सी और ए डी सी, दोनों का हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे और हम प्लस कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे हमको बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। ठीक, तो हम पार्ट पार्ट में भी करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, आपको क्वाड्रिलेटरल लिखने के लिए इसलिए लिखिए, ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाफ इंटू, इस ट्रायंगल में आते हैं, बेस हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, प्लस हाफ इंटू, बेस हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है और हमारा हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जो कटेगा काट देंगे, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया मेरा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 10, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा, प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पे ऐड करने पे आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना निकला, 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमको इसका एरिया पता करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये क्या है, पॉलीगन है। ठीक है, कितना साइड है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 or more लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, तो हमको इसका एरिया पता करना है, किसका, ए बी सी, ए बी सी डी ई। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, सेम है ट्रेपीजियम का बन रहा है और नीचे बन रहा है यहाँ पे ट्रायंगल का, ठीक है। तो ट्रेपीजियम में हमको पैरेलल साइड्स का यहाँ पे लेंथ दिया और हाइट दिया हुआ है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी ट्रायंगल है, इसका देखिए हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हाइट हमको यहाँ पे दिया हुआ है और इसका बेस हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसका भी एरिया यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ई बी सी, ए ई बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच प्लस हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रायंगल ये वाले ट्रेपीजियम में, ठीक है। तो हाफ इंटू ए प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, ट्रेपीजियम आपने पहले वर्कशीट में पढ़ा ही है। यहाँ क्या लिख देंगे हम, 12 सेंटीमीटर प्लस ये वाला हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर प्लस हाफ इंटू, अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसका बेस कितना है 12 है, ठीक है। तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 और 2 ये यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू यहाँ कितना बचा 1 सेंटीमीटर बचा, ठीक। प्लस यहाँ कट जाएगा 2 वन जा 2 और 2 सिक्स जा 12, तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों को हमने प्लस किया तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पे आ गया, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी ई यानी इस पॉलीगन का एरिया कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन्स। तो पॉलीगन क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ टू और मोर लाइन सेगमेंट्स, टू हो सकता है 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको फिर से क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ट्रेपीजियम बन रहा है, इधर से ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ हमको ये हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे भी हाइट दिया है, ये बेस हमको दिया है, और सम ऑफ यहाँ पे हमको टू पैरेलल साइड्स दिया है यानी कि ये और ये हमको यहाँ पे दिया है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल देंगे और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है, इसका हमको यहाँ पे नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या नाम है यहाँ पे, पी टी एस आर, पी टी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे बस दो ही चीज है, या तो ट्रेपीजियम है या तो ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंटू ए प्लस बी यानी 10 प्लस 6, 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दिया है 4 सेंटीमीटर प्लस हाफ इंटू बेस आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कट कर देते हैं 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ भी कट हो जाएगा 2 1 2 और 2 5 10 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, यानी एरिया ऑफ पॉलीगन
या आप कह सकते हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है। इसका एरिया कितना निकल गया, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमको पॉलीगन दिया हुआ है और इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ से ये हमारा बन रहा है, यानी चार ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे, ठीक है। चारों ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे और प्लस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ पॉलीगन मिल जाएगा, और हर ट्रायंगल का हमारे पास बेस और हाइट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको लेते हैं एफ ई डी, एफ ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिया हमने, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला एफ डी सी, एफ डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हमने लेना है, ये एफ बी सी, एफ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये लास्ट वाला हमारा बच गया एफ ए बी, एफ ए बी, ठीक है। इसने हमने चार यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब चलिए हम इसका ले लेते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हमको बार बार लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो हम डाइड करें यहाँ पे हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, इसमें देखिए 5 सेंटीमीटर, तो लिखा 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस अब एरिया ऑफ एफ डी सी, ठीक है, एफ डी सी इस ट्रायंगल में आते हैं, तो इस ट्रायंगल का हमारा देखिए हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो लिखा 4 सेंटीमीटर हाफ इंटू अब एफ बी सी, एफ बी सी तो बेस कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारा यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हाफ इंटू लास्ट वाला ट्रायंगल है एफ ए बी, एफ ए बी तो बेस कितना है 6.5 सेंटीमीटर इंटू, तो हाइट हमको कितना दिया है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया, तो लिख दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं ये और ये यहाँ से हो जाएगा कट, ठीक है। 2 × 2 = 4, ठीक है। और यहाँ से 2 और 2 ये कट हो गया, ठीक। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे देखिए, यहाँ बचा सिर्फ 5 सेंटीमीटर बचा, ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट होगा, ठीक है। प्लस इसका कितना निकलेगा 7 × 2 = 14, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा फिर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, तो ये हमारा लास्ट वाले का कितना एरिया निकला है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम चारों को प्लस कर देते हैं तो हमारा कितना एरिया निकलेगा 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकलेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे थे, 4 ट्रायंगल बन रहे थे, चारों का हमारे पास बेस और हाइट था और हमने क्या किया सबका एरिया निकाल करके प्लस कर दिया, तो हमारा निकल गया एरिया ऑफ पॉलीगन निकल गया, ठीक है। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।